हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको काफी सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ा दी हैं और आज हम आपको न्यू मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आपको यूज ऑफ डेयर पढ़ाएंगे, यानी डेयर का यूज कैसे होता है, कब होता है, वो हम आपको आज बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि देखिए हम आपको जो डेयर का यूज है वो हम आपको दो तरह से बताएंगे कि जो हमारा डेयर है उसका यूज दो तरह से होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट वीडियो को क्योंकि हम आपको डिफरेंस बताएंगे। क्लियर? अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूज ऑफ डेयर, ठीक है। देखिए डेयर का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, डेयर का जो मतलब होता है वो होता है हिम्मत करना या साहस करना। क्लियर? क्या होता है स्टूडेंट डेयर का मतलब? हिम्मत करना या साहस करना। अब देखिए डेयर का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। देखिए जो हमारा डेयर है, डेयर का यूज हमारा दो तरह से होता है। एक एज ए मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के रूप में। दूसरा एज ए मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के रूप में। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स के डेयर का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो मेन वर्ब के रूप में भी हम डेयर का यूज कर सकते हैं और एक मॉडल वर्ब के रूप में भी हम डेयर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? देखिए जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है ना, जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन वाक्यों में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद में जब हमारा डेयर आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब हमारा डेयर आता है तो डेयर के साथ में हम यहाँ पे टू का यूज कंपलसरी करते हैं। क्लियर आया समझ में? रिपीट कर रही हूँ कि जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो स्टूडेंट्स उन वाक्यों में हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और डेयर के साथ में टू का यूज कंपलसरी होता है। बट जब हम डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, क्लियर, जब हम डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन वाक्यों में हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डेयर खुद ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है और यहाँ पे हमारे डेयर के साथ में टू का यूज नहीं होता है। क्लियर? यानी जब हम डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो डेयर के साथ में टू का यूज नहीं होता है। क्लियर? समझ गए इतनी बात? अब देखिए दूसरी चीज, जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है, जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो हमारे वाक्य वो हमारे पॉजिटिव में भी बनते हैं, निगेटिव में भी बनते हैं और इंटरोगेटिव में भी बनते हैं। यानी जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं तब हम उन वाक्यों को हम पॉजिटिव में भी बनाते हैं, निगेटिव में भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव में भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है, जब हम डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो उन वाक्यों को, उन सेंटेंसेस को हम केवल निगेटिव में और इंटरोगेटिव में बनाते हैं, पॉजिटिव में नहीं बनाते हैं। ठीक है? यानी रिपीट कर रही हूं मैं, देखिए डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में केवल निगेटिव वाले सेंटेंसेस में होता है और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक देखिए तीसरी चीज इसमें, देखिए वो है कि देखिए जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है, जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे प्रेजेंट में भी यूज हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा डेयर का यूज है मेन वर्ब के रूप में, जब हमारा डेयर का यूज होता है तो वो हमारा प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। यानी तीनों टेंसेस में हम डेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का यूज करते हैं तो जो हमारे सेंटेंसेस वो होते हैं हमारा केवल प्रेजेंट में और पास्ट में। यानी मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का यूज केवल प्रेजेंट टेंस में होता है और पास्ट टेंस में होता है, इसका यूज हम फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का यूज फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ गई, ये है इसमें डिफरेंस, ठीक। ध्यान रखना कि मेन वर्ब के साथ में डेयर के साथ में टू का यूज जरूर होगा और मॉडल वर्ब के रूप में डेयर के साथ में टू का यूज नहीं होगा। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक एग्जांपल को। देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी टेंस में डेयर का यूज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए ही डेयर्स टू कम हेयर, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ही डेयर्स टू कम हेयर। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वह यहाँ आने का साहस करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या है यहाँ पे इसका अर्थ? कि वह यहाँ आने का साहस करता है, क्योंकि देखिए ये जो टेंस, ये जो सेंटेंस स्टूडेंट हमारा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। क्लियर? आगे समझे?
अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है ही, तो यहाँ पे देखिए हमने डेयर के साथ में ईएस का यूज कर दिया। ठीक, ही डेयर्स टू कम हेयर, वह यहाँ आने का साहस करता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई, अगर हम यहाँ पे आई का यूज करते या वी का, यू का, दे का, किसी का भी यूज करते तो हमारे ये ईएस हट जाता, केवल डेयर आता। जैसे कि आई डेयर टू कम हेयर या वी डेयर टू कम हेयर, दे डेयर टू कम हेयर, वे यहाँ आने का साहस करते हैं। क्लियर, आगे समझ में? यानी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारे यहाँ पे होता तो हमारे यहाँ पे जो है डेयर के साथ में ईएस का यूज नहीं होता। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारा डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो रहा था, तो देखिए हमने यहाँ पे डेयर्स के साथ में टू का यूज किया है और ये वाला सेंटेंस देखिए हमारा पॉजिटिव में बना हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हम पॉजिटिव में बना सकते हैं। बट अगर हम मॉडल वर्ब के रूप में अगर हम डेयर का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, अगर हम लिखे ही डेयर कम हेयर, यहाँ पे हमारा सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टूडेंट, ही डज नॉट डेयर टू कम हेयर। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस हमारा जो है निगेटिव में बना हुआ है। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि वह यहाँ आने का साहस नहीं करता है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या है कि वह यहाँ आने का साहस नहीं करता है। आप देखिए निगेटिव में बना हुआ है ये हमारा सेंटेंस, तो देखिए हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है और यहाँ पे देखिए हमारा डेयर के साथ में टू का यूज किया गया है। क्लियर, आगे समझ में? यानी कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में बना हुआ है और अगर हम यहाँ पे देखिए डेयर का यूज अगर हम मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो भी हमारे सेंटेंस का जो हिंदी में अर्थ है वो चेंज नहीं होगा, हमारा सेम रहेगा, बस हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसको देखिए मॉडल वर्ब के रूप में कैसे हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ही डेयर नॉट कम हेयर। ठीक है ना, तो इसका अर्थ यही आएगा कि वह यहाँ आने का साहस नहीं करता है। यानी कि ये जो हमारे दोनों सेंटेंसेस हैं ये हमारे केवल सिनोनिम है एक दूसरे की, हिंदी में दोनों का अर्थ हमारा सेम आएगा, तो इनको हम और करके लिख सकते हैं। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा था तो हमने देखिए डेयर के साथ में टू का यूज नहीं किया है। और दूसरी चीज, जब हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए डेयर के साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है डज ही नॉट डेयर टू कम हेयर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ आ रहा है कि देखिए क्या वह यहाँ आने का साहस नहीं करता है। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम मॉडल वर्ब के रूप में बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे, डेयर ही नॉट कम हेयर, इसका अर्थ स्टूडेंट सेम होगा कि क्या वह यहाँ आने का साहस नहीं करता है। ठीक है ना, दोनों का अर्थ हमारा सेम होगा, बस डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और यहाँ पे हमारा डेयर के साथ में टू का यूज हो रहा है, बट मॉडल वर्ब के रूप में देखिए डेयर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज हो रहा है और हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हुआ है। क्लियर, यानी हम इन वाक्यों को और करके लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे के सिनोनिम है। ऐसे ही देखिए बाकी एग्जांपल भी हमारे सेम ही है, मैं आपको और पढ़ के बता देती हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डज ही डेयर टू कम हेयर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि देखिए क्या वह यहाँ आने का साहस करता है और इसको हम मॉडल वर्ब के रूप में कैसे बना सकते हैं, डेयर ही कम हेयर, अर्थ हमारा हिंदी में सेम रहेगा। यानी कि हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए और करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने डेयर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, टू का यूज यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा डेयर के साथ में देखिए टू का यूज कंपलसरी होगा। क्लियर, आया समझ में? ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है How does he dare to come here? ठीक, इसका अर्थ स्टूडेंट्स देखिए वह यहाँ आने का साहस कैसे करता है। ठीक, और इसको देखिए हम मॉडल वर्ब के रूप में कैसे बनाएंगे, How dare he come here? वह यहाँ आने का साहस कैसे करता है। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए यहाँ पे हमने और करके लिख दिया है ना। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है Why does he not dare to come here? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका अर्थ क्या रहा है स्टूडेंट, इसका अर्थ आ रहा है कि वह यहाँ आने का साहस क्यों नहीं करता है। इसको हम मॉडल वर्ब के रूप में कैसे बनाएंगे, Why dare he not come here? ठीक है ना, हिंदी में अर्थ हमारा दोनों का सेम है, यानी हम इन दोनों वाक्यों को और करके लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में? क्या ध्यान देना है आपको इसमें कि मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो डेयर टू का यूज होगा और मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा तो केवल डेयर का यूज होगा। ओके, क्लियर, आगे आपको समझ में ये हमारा डेयर का यूज, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी हमने आपको अपना लास्ट जो बताया था वो हमने आपको डेयर का यूज प्रेजेंट में बताया था कि प्रेजेंट के रूप में हम प्रेजेंट में हम डेयर का यूज कैसे करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए डेयर का यूज हम पास्ट में कैसे करते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट में हम बता चुके हैं दोनों का ही यूज, अब हम आपको देखिए पास्ट में बताएंगे। ठीक है ना, पास्ट में हम इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखिए रूल्स हमारे सेम ही है। ये देखिए जब हम, अब मैं आपको इनको डायरेक्टली ही बताती हूँ तो ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट। देखिए अब हमने देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस बना हुआ है, पहला वाक्य हमारा पॉजिटिव में बना हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मेन वर्ब के रूप में हम पॉजिटिव में बना ही सकते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है ना, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो देखिए हम इसको पास्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए ही डेयर्ड टू कम हेयर। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट इसका इसका अर्थ है कि उसने यहाँ आने का साहस किया। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका, उसने यहाँ आने का साहस किया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डेयर का यूज हो रहा है वो हमारा मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। ठीक है ना, तो मेन वर्ब के रूप में होगा तो हम देखिए सेंटेंस को हम पॉजिटिव में बना सकते हैं। ठीक, और इसमें देखिए हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है। क्लियर, लेकिन जब हम देखिए मॉडल वर्ब के रूप में हम डेयर का यूज करेंगे तो हमने आपको भी क्या बताया था कि मॉडल वर्ब के रूप में जब हम डेयर का यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में नहीं बनता है। अगर हमारा पॉजिटिव में बना हुआ है वाक्य तो वो हमारा गलत है। अगर हम सेंटेंस बनाएं कि ही डेयर्ड कम हेयर, तो ये सेंटेंस हमारे स्टूडेंट्स गलत है। क्लियर,
आगे समझ में। वैसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट है, ही डिड नॉट डेयर टू कम हियर, ठीक है, उसने यहाँ आने का साहस नहीं किया, ठीक है। अब इसको देखिए हम मॉडल वर्क के रूप में हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम मॉडल वर्क के रूप में बनाएंगे, ही डेयर्ड नॉट कम हियर, हिंदी में हमारा मीन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि क्या है ये सिनोनिम है, डिफरेंस कितना है बस कि देखिए जब हम मेन वर्क के रूप में यूज करेंगे तो हमारा डेयर के साथ में टू आएगा, और जब हम मॉडल वर्क के रूप में यूज करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे देखिए हमारा जो डेयर है उसका डेयर हो जाएगा और उसके साथ हमारी वर्क के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्लियर, आगे समझ में। ये हमारे पास्ट के सेंटेंसेस चल रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेक्स्ट है, डिड ही नॉट डेयर टू कम हियर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है स्टूडेंट्स की देखिए क्या उसने यहाँ आने का साहस नहीं किया, ठीक है। और इसको हम देखिए डेयर से कैसे बनेंगे, मॉडल वर्क के रूप में, देखिए मॉडल वर्क के रूप में हमें सेंटेंस को बनाएंगे, डेयर ही नॉट कम हियर। क्लियर, हिंदी में मीन देखिए दोनों का हमारा सेम रहेगा, ओके। ऐसे देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा डिड ही डेयर टू कम हियर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि देखिए क्या उसने यहाँ आने का साहस किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डेयर किसके रूप में यूज हो रहा है, मेन वर्क के रूप में, तो उसके साथ में देखिए हमारा टू का यूज हो रहा है और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्क का भी यूज हो रहा है। बट अगर हम इस सेंटेंस को मॉडल वर्क के रूप में बनाएंगे तो हम कैसे बनेंगे, डेयर्ड ही कम हेयर, ओके। क्लियर, हिंदी में मीन सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। ऐसे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा हाउ डिड ही डेयर टू कम हेयर, ठीक है। इसका अर्थ स्टूडेंट्स उसने यहाँ आने का साहस कैसे किया, और अगर हम मॉडल वर्क के रूप में बनेंगे तो हम कैसे बनेंगे, हाउ डेयर्ड ही कम हेयर, ओके। क्लियर, ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है, व्हाई डिड ही नॉट डेयर टू कम हेयर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आ रहा है कि देखिए उसने यहाँ आने का साहस क्यों नहीं किया, ठीक है। अब इसको अगर हम देखिए मॉडल वर्क रूप में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, व्हाई डेयर ही नॉट कम हेयर, ओके। क्लियर, आगे समझ में। देखिए मेन वर्क के रूप में यूज हो रहा है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद में डेयर के साथ में टू आ रहा है, लेकिन अगर हम मॉडल वर्क के रूप में यूज करेंगे तो हमारा डेयर आ जाएगा, डेयर के बाद हमारी वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्लियर, आगे आपको समझ में आई अच्छे से, रूल्स हमारे सेम वही है जो हमारे प्रेजेंट में यूज हो रहा था डेयर, उसके जो हमने आपको लास्ट अभी सारे रूल समझाए हैं सेम वही रूल है, ठीक है। आगे समझ में, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जो हमारा डेयर का यूज होता है वो हमारा जब हम मेन वर्क के रूप में यूज करते हैं तो हमारा हम जो है डेयर का यूज फ्यूचर में कर सकते हैं, लेकिन मॉडल वर्क के रूप में हम डेयर का यूज फ्यूचर में नहीं कर सकते। क्लियर, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये हमारे जो मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं उन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, ठीक है। देखिए मैं आपको ये समझा दूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यू विल डेयर टू गो देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारा ये देखिए डेयर का जो यूज हो रहा है वो हमारा मेन वर्क के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए डेयर का यूज हमारा मेन वर्क के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए डेयर के साथ में हमारा टू आ रहा है और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्क भी आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि तुम वहां जाने का साहस करोगे, ठीक है ना। क्या हुआ स्टूडेंट इसका, तुम वहां जाने का साहस करोगे, तो यहाँ पे हमारा डेयर का यूज किस रूप में हुआ है, मेन वर्क के रूप में। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को अगर हम मॉडल वर्ब में बनाएंगे तो हमारा मॉडल वर्ब के रूप में नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के रूप में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे कि यू विल डेयर गो देयर, तो स्टूडेंट ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। क्लियर, क्योंकि मॉडल वर्ब के रूप में डेयर का यूज केवल हमारे दो तरह से होता है जो हम आपको बता चुके हैं, उसके अलावा हमारा मॉडल वर्ब में डेयर का यूज नहीं होता है। क्लियर, अब देखिए ऐसे ही देखिए हमारे मेन वर्क रूप में हमने और यहाँ पे डेयर के यूजेस किए हैं और अदर हमारी हेल्पिंग वर्क के साथ में, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, समझ लीजिएगा आप। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई शैल नॉट डेयर टू क्रॉस दिस रिवर, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका क्या है, इसका अर्थ है कि मैं इस नदी को पार करने का साहस नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, यहाँ पे देखिए हमारा विल आ रहा था तो हमारी देखिए फर्स्ट फॉर्म ही आई है डेयर, यहाँ पे भी देखिए हमारा शैल है तो हमारे यहाँ पे भी देखिए डेयर के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाई वाज ही डेयरिंग मी टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इसका अर्थ स्टूडेंट देखिए वह मुझे गाना गाने की चुनौती क्यों दे रहा था, ठीक है ना। क्या स्टूडेंट इसका देखिए, वह मुझे गाना गाने की चुनौती क्यों दे रहा था। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्क के रूप में वॉज का यूज हो रहा है और वॉज के साथ में हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमने डेयरिंग का यूज किया और डेयरिंग के साथ में हमारा टू आ गया, ओके। क्लियर, ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है शी हैज डेयर्ड टू कंप्लीट हर होमवर्क, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि वह अपना होमवर्क पूरा करने का साहस कर चुकी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, हमारे यहाँ पे हैज आ रहा है हेल्पिंग वर्क ग्रुप में और स्टूडेंट हैज के साथ में हम वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पे डेयर की थर्ड फॉर्म डेयर का यूज हो रहा है और इसके साथ में हमारा ये टू आ रहा है, ओके। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है ही हैड नॉट डेयर्ड टू प्रपोज हर, ठीक है। इसका अर्थ क्या स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ है कि उसने तुम्हें प्रपोज करने का साहस नहीं किया था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा हेड आगे नेगेटिव में बना हुआ हैड आ गया, हेल्पिंग वर्क रूप में हेड का यूज हो रहा है और इसी के साथ में देखिए हेड के साथ में हम वर्क थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमारा डेयर्ड आ गया और ये हमारा टू आ गया। क्लियर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है, हाउ विल शी हैव बीन डेयरिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर एन आवर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ आ रहा है, देखिए इसका अर्थ आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए वह एक घंटे से इस प्रश्न को हल करने का साहस
कैसे कर रही होगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा विल हैव बीन आ गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा यहाँ पे क्या रहा है, विल हैव बीन, और विल हैव बीन के साथ में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डेयर की आईएनजी फॉर्म डेयरिंग का यूज किया और डेयरिंग के साथ में हमारा ये टू आ गया। ओके, ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है सोनू हैज नॉट बीन डेयरिंग टू टीच यू मैथ सिंस 2 o'clock। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट इसका क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि देखिए सोनू 2 बजे से तुम्हें मैथ पढ़ाने का साहस नहीं कर रहा है। क्लियर, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा हैज बीन आ गया। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्क के रूप में हमारे यहाँ पे हैज बीन आ रहा है और हैज बीन के साथ में भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे डेयर की आईएनजी फॉर्म डेयरिंग का यूज हो रहा है और टू का यूज हो रहा है डेयरिंग के साथ में। क्लियर, आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमने आपको डेयर का यूज बता दिया अदर हेल्पिंग वर्क के साथ में, इसी की तरह से हम और एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। ओके, क्लियर, आगे समझ में। लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में केवल डेयर का यूज 2 तरह से होता है जो हम आपको बता चुके हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको और बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट डेयर का और यूज कैसे हम करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूज है हमारा डेयर से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट जब हम डेयर से का यूज करेंगे तो हमारे जो वाक्यों का सेंस आएगा, हिंदी वाले वाक्यों का सेंस आएगा, वो किस रूप में आएगा, देखिए शायद, अनुमान लगाना या मानना के रूप में। ठीक है ना, आगे समझ में। यहाँ पे देखिए, और देखिए हमारा जो डेयर से का यूज हो रहा है यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है, मॉडल वर्ब के रूप में। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डेयर से इट मे रेन टूडे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आ रहा है कि देखिए मेरा मानना है आज वर्षा हो सकती है। ठीक, यहां हम इसको भी कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि शायद आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, या मुझे लगता है आज वर्षा हो सकती है, तीनों ही तरह से हम इन वाक्य इस वाक्य को बोल सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे जो हमारा ये डेयर का यूज हो रहा है ये हमारा मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेयर के बाद में हमारा टू नहीं आ रहा है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्लियर, ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा आई डेयर से इट विल बी ऑल राइट। ठीक है, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डेयर से माई फ्रेंड विल पास दिस एग्जाम, मुझे लगता है मेरा दोस्त यह एग्जाम पास कर लेगा। ओके, क्लियर, तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट हमारा डेयर का यूज कैसे हो रहा है, मॉडल वर्ब के रूप में। ओके, ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आई डेयर से शी विल चीट यू। ठीक, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है मेरा मानना है वह तुम्हें धोखा देगी। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या है इसका अर्थ की मेरा मानना है वह तुम्हें धोखा देगी। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेयर का यूज किस रूप में हो रहा था, मॉडल वर्ब के रूप में। ओके, आगे समझ में, यानी हम देखिए डेयर से का यूज हम जब करेंगे तो वो किस रूप में, किस सेंस में हमारे इसके हिंदी में अर्थ आएगा, शायद में या अनुमान लगाना या मानना। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा हाउ डेयर। देखिए हाउ डेयर का यूज हम कब करते हैं, देखिए हाउ डेयर में भी जो हमारा डेयर का यूज होता है वो हमारा मॉडल वर्ब के रूप में होता है, और हाउ डेयर का जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं टू एक्सप्रेस एंगर, सरप्राइज या शॉक, यानी गुस्से को, सरप्राइज को या शॉक जो हमें लग जाता है, कोई अचानक से झटका लगता है ना, शॉक को, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम हाउ डेयर का यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा हिंदी में अर्थ आता है या जो हमारा हिंदी में सेंस आता है इस सेंटेंसेस का, वो किस में आता है, हिम्मत कैसे हुई या हिम्मत कैसे की के रूप में। क्लियर, अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है, पहले मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या है। देखिए हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, मेरा मोबाइल छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये है स्टूडेंट इस वाक्य का अर्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए डेयर का यूज हो रहा है ना, किस रूप में हो रहा है, मॉडल वर्ब के रूप में, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए डेयर के बाद में टू नहीं आ रहा है और इस वाक्य में हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। ओके, क्लियर, तो आगे समझ में आपको, यहाँ पे देखिए डेयर का यूज किस में हो रहा है, मॉडल वर्ब के रूप में। ओके, ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हाउ डेयर यू यूज माई स्कूटी विदाउट आस्किंग। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि बिना पूछे मेरी स्कूटी यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है,
तो यहाँ पे भी देखिए डेयर का यूज हमारा मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है. ओके देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है हाउ डेयर ही ऑर्डर मी. ठीक है अब देखिए इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है उसने मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे की. ठीक है क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की देखिए उसने मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे की. ओके क्लियर आगे समझ में. तो देखिए यहाँ पे भी हमारा डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है. अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है हाउ डेयर ही सिट इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है उसने मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे की. ठीक है क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की उसने मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे की. क्लियर तो यहाँ पे भी देखिए डेयर का यूज हमारा मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है. और देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है हाउ डेयर ही से टू यू. ठीक है तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है इसका अर्थ आ रहा है उसने तुमसे कहने की हिम्मत कैसे की. ओके तो यहाँ पे भी देखिए डेयर का यूज हमारा मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है. क्लियर आगे समझ में. देखिए यदि किसी वाक्य में हमारा डेयर से का यूज हो रहा है तो उसका जो सेंस आएगा वो शायद अनुमान लगाना या मानना के रूप में आएगा. और यदि किसी वाक्य में हाउ डेयर का यूज हो रहा है तो वो हमारा एंगर सरप्राइज या शॉक को शो करने के लिए होता है. ठीक है ना. और इसका जो हिंदी में अर्थ आता है वो हिम्मत कैसे हुई या हिम्मत कैसे की के रूप में होता है ना. तो आगे समझ में आपको. तो देखिए ये हो गए हमारे डेयर के और यूजेस. ध्यान रखिएगा देखिए हमारे रूल वही है जो हमने आपको स्टार्टिंग में डेयर के रूल्स बताए थे ना मॉडल वर्क रूप में. ये वही रूल है बस हमने आपको इसमें और एग्जांपल्स करवा दिए हैं. तो अब आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको और बताती हूँ. अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज नेक्स्ट देखिए और हमारा डेयर का यूज कैसे होता है. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा डेयर टू से. देखिए डेयर टू से का यूज हम कब करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा. देखिए टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन या उम्मीद करना किसी से हम किसी की हम एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करते हैं या हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं तो उसके लिए हम डेयर टू से का यूज करते हैं. क्लियर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. देखिए स्टूडेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आई डेयर टू से ही विल कम टूडे. ठीक है तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है. देखिए इसका अर्थ आ रहा है मैं उम्मीद करता हूं वह आज आएगा. ठीक है स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की देखिए मैं उम्मीद करता हूं वह आज आएगा. क्लियर अगर समझ में. तो यहाँ पे भी देखिए हमें उम्मीद शो हो रही है तो हमने डेयर टू से का यूज किया है. ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा आई डेयर टू से शी वुड हेल्प द पुअर. ठीक है देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है इसका अर्थ आ रहा है मैंने उम्मीद की वह गरीबों की सहायता करेगी. ठीक है अब देखिए स्टूडेंट इसमें देखिए हमारे यहाँ पर डेयर आ रहा था यानी यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी. ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमने विल का यूज किया है. ओके अब यहाँ पे देखिए हमारे डेयर में ईडी लग गया डेयर्ड हो गया यानी सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है. ठीक है तो जब हमारा देखिए ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो हमने यहाँ पे भी देखिए विल के पास्ट फॉर्म वुड का यूज किया है. ठीक अगर केवल हमारा डेयर है तो हम विल का यूज करेंगे और डेयर्ड है तो हम वुड का यूज करेंगे. ओके क्लियर आगे आपको समझ में डेयर टू से का यूज. अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा डू हैव डेयर या हैव डेयर का यूज हम कब करते हैं. क्लियर देखिए स्टूडेंट देखिए डू हैव डेयर और हैव डेयर का यूज हम करते हैं हिम्मत रखने के लिए. ठीक है जब हम किसी से हिम्मत रखने की बात करते हैं तो उसके लिए हम डू हैव डेयर या हैव डेयर का यूज करते हैं. जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम्पल देखिए आई डू नॉट हैव डेयर टू टेक सच ए स्टेप. ठीक अब देखिए स्टूडेंट इसको हम हैव डेयर से किस तरह से बना सकते हैं. हैव डेयर से हम इसको बना सकते हैं आई हैव नॉट डेयर टू टेक सच ए स्टेप. क्लियर तो देखिए अब स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है. देखिए इसका अर्थ आ रहा है मुझ में ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है. ठीक या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं रखता हूं. क्लियर आगे समझ में. तो देखिए ये हो गया हमारा डू हैव डेयर और हैव डेयर का यूज. आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट यूज नेक्स्ट है यूज ऑफ डेयर. देखिए स्टूडेंट डेयर का यूज और हम कब करते हैं. तो देखिए जब हम किसी को चुनौती देते हैं या कोई हमें चुनौती देता है तो उसके लिए भी हम डेयर का ही यूज करते हैं. ठीक है और वो हम सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं. अब देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है शी डेयर्ड मी टू ड्राइव द कार. ठीक तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है. इसका अर्थ है उसने मुझे कार चलाने की चुनौती दी. ठीक है क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की उसने मुझे कार चलाने की चुनौती दी.
ओके ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. नेक्स्ट है Why are you daring me to fight with a sword? ठीक तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है तुम मुझे तलवार से लड़ने की चुनौती क्यों दे रहे हो. ठीक है क्या आया स्टूडेंट इसका अर्थ की तुम मुझे तलवार से लड़ने की चुनौती क्यों दे रहे हो. तो देखिए चुनौती देने के लिए भी हम डेयर का यूज करते हैं. ओके क्लियर आगे आपको समझ में. तो ये हमारे और तीन रूल और हो गए हैं डेयर के. आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे. तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स हो गए नोट. तो देखिए इसी के साथ में हमारा डेयर का यूज कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को अच्छे से डेयर का यूज समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए. और अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो स्टूडेंट आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नीड का यूज बताएंगे. सो थैंक यू.